ඉචි ඉචි දාලිය පරි අමු දාලිය දෙක් කාටෝකේ පඩපඩ ආලා ඉත දෙන කාටෝකේ වේ දැන් करोगे पकड़ के रख गिर रहे पकड़ के रख हाँ ऐसे करते रहे मम्मा बचाओ भाई छुई देख ऊपर देख डर रहे रो रहे ऊपर देख हाथ छूट गया पकड़ ले फिर से करोगे हम पिछले चार घंटों से बस और बड़ा मज़ा आ रहा है और फिर जब मैं जब ये गीली होकर आई तो मैंने गाया समंदर में बट ये गीली तो मैंने कुछ नहीं किया जो पतली कमर है जो मैंने उसकी मजे उठाया तो हाँ बड़ा मजा आया ये तप नहीं था ये अलग टाइप का तप था। अच्छा हम देखते हैं कि दोनों माए वेद को बचाने के लिए वेद को बचाने के लिए हाँ जो लटका हुआ था अभी वेद को बचाने के लिए जी जान लगा रही है अपना 100% दे रही है तो इस इंटरेस्टिंग तप के बारे में बताया तो उन्हें सीरियस नोट वाला पुजारी जी हैं उन्होंने कहा है कि जो वेल है कुआ है उसमें से पानी खड़ा जो मटका है उसमें छेद वाला मटका उसमें ये हम दोनों ने मिलकर एक शिवलिंग बनाया तो वो वहाँ पे जाके पानी हमें बेसिकली शिवलिंग पर हमें वो पानी चढ़ाना है और जो एक बार हमें करना है तो जस्ट बिकॉज अभी भूमि जो लास्ट वाला टास्क था जो तपस्या थी पूरी नहीं कर पाई उसने पेन की वजह से गिव अप कर दिया तो वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट में है और उसे कैसे भी करके ये वाला जो तप है उसे जीतना है तो अभी फिलहाल वो कॉम्पिटिशन में है कि मुझे 101 बार पहले करना ख़त्म करना है बट उस बीच में वेदिका जी के साथ कुछ होता है तो आप निशा ने कुछ जैसा वो हमेशा कुछ करती थी वैसे कर दिया मुझे एक इल्यूशन होने लगता है कि मेरा बेटा भी उधर लटका हुआ है सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तो मैं मटका छोड़ देती हूँ मैं एकदम चली जाती हूँ उसको बचाने के लिए और बोलने के लिए और मुझे एक सेकंड में दिखता है कि भगवान नहीं है तो दिस इज़ द इल्यूशन दैट बेसिकली निशा हैज़ क्रिएटेड निशा का तो यही है कि वो भूमि और वेदिका में दरार जितनी हो सके उतनी दरार हाँ और वो अगर मैं वापस इसमें जीत जाती तो 1-to-1 नहीं हो पाता तो अब भूमि को जीतना ही था इसमें अच्छा इसमें दोनों माए भी आमने सामने और दोनों बहनें भी आमने सामने हैं तो कितना मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है बेटा तो वो मेरा है मैंने पैदा किया पाला तो मैंने है ना तू नहीं तो कोई और पाल लेता कोई नहीं आगे क्या होने वाला है वो तो अभी पुजारी जी है वहाँ बैठे हुए वो प्लान कर रहे हैं अभी आगे आगे क्या करवाए इन लोगों से पता चले ट्रैकिंग करवा रहे हैं हम दोनों से पता नहीं कौन से कपड़े पहने